फिलहाल एलएसी पर जो हालात है वो जस के तस हैं। भारतीय सेना चीन की सेना के सामने डटी हुई है और ये दुनिया को बता चुकी है कि उसका दमखम क्या है। ये भी समझा चुकी है कि हिंदुस्तान की सेनाओं पर सीमाओं पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे दुनिया को हिंदुस्तान का दमखम पता है और ये दुश्मन देशों को भी समझ आ चुका है, लेकिन पिछले 5-6 सालों में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर ही फोकस किया गया, चाहे तकनीक का आधार हो या फिर हथियारों की खरीद। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जो पिछले 5-6 सालों में रही, क्योंकि भारतीय सेना हर दौर में शक्तिशाली रही है, लेकिन राजनीतिक नियत इच्छा शक्ति ने उसे मॉडर्न एज वेपन्स के साथ और भी खतरनाक दुश्मनों के लिए बना दिया है। चीन ने चली शातिर चाल तो होगा बेहाल। यूरोपियन थिंक टैंक्स ने कहा सीमा पर की गुस्ताखी तो नहीं बचेगी ड्रैगन की सांस बाकी। नंबर वन फायर। चीन को अपने दम पर भारत करेगा खल्लास। इंडियन आर्मी चीन की गर्दन तोड़ेगी और गुरूर भी। चीन के माथे पर बल पड़ा हुआ है। जिनपिंग को सोते जागते भारतीय सैनिकों के सपने आते हैं। चीन का तानाशाह तनाव में है। पिछले करीब 3 महीनों में भारतीय सैनिकों ने 13 कर्म कर दिए चीन के। अब तानाशाह की सेना पीछे हटे तो दुर्गति, आगे बढ़े तो गर्दन टूटी। पेंगोंग सो पर सेना पीछे करने के शुरुआती चरण में चीनी फिंगर 4 से फिंगर 5 पर गए, लेकिन पहाड़ी के किनारे तैनाती जारी रखी। भारत ड्रैगन को ताकीद कर रहा है कि वो फिंगर 5 से हटकर वापस फिंगर 8 पर जाए, क्योंकि फिंगर 8 तक का इलाका भारत का है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत अकेले दम पर चीन की आंख में आंख डालकर उसके सामने डटा हुआ है। यही वजह है कि दुनिया अब मानने लगी है कि भारत का सत्य उसका सबसे बड़ा संबल है, और यही सत्य संकल्प सीमा पर भारतीय सैनिकों की सबसे बड़ी शक्ति है। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से भारत ने आउटस्पोकन जेस्चर अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर दिखाया है, वो दुनिया को बता रहा है कि भारतीय बॉर्डर पर दुश्मन की किसी भी तरह की गुस्ताखी खुद उसके लिए ही बेहद घातक हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। और अगर दुश्मन देश में कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। सेना के शौर्य और उसके पराक्रम की नींव पर खड़ा ये वो राष्ट्रवाद है जो हर एक भारतीय के दिल में हिलोरे लेता है। लेकिन इसके अलावा भारत के पास क्या है जिससे वो चीन को करारी शिकस्त देने का दम रखता है, जरा इसे समझ लीजिए। भारतीय सैनिक पहाड़ों की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। चीन ने वियतनाम वॉर के बाद यानी करीब 48 साल से
कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। उसके पास टेक्नोलॉजी हो सकती है लेकिन पहाड़ों में उसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा आमने सामने की लड़ाई में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों पर भारी पड़ते हैं। भारत ने पिछले 5 सालों में सैन्य शक्ति के विकास पर ज्यादा फोकस किया, ये बात स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट बताती है। भारत सैन्य खर्च के लिहाज से विश्व में 3रे नंबर पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने 2019 में $732 अरब सैन्य खर्च किया था, जो कि 2018 की तुलना में 5.3% से ज्यादा था। दूसरे पायदान पर चीन है। 2019 में चीन का सैन्य खर्च $261 अरब था, 2018 की तुलना में 5.1% ज्यादा, जबकि भारत का सैन्य खर्च 2019 में $71.1 अरब है, 2018 की तुलना में 6.8% ज्यादा। 5-6 सालों में भारतीय सेना काफी शक्तिशाली हुई है। बड़े आधुनिक हथियार इस सेना में आए हैं। एयरफोर्स के अंदर तेजस आया है, चिनूक हेलीकॉप्टर आया है, अपाचे हेलीकॉप्टर आया है, कई प्रकार की नई मिसाइलें इंडक्ट हुई हैं, तो हिंदुस्तान की सेनाएं काफी मजबूत हुई हैं। ये जो मिलिट्री सुपीरियरिटी की वो बात करते हैं, ये एक ब्लफ है, लेकिन ये कि भारत इनके नहीं आएगा मैं समझता हूँ, और भारत पूरी तरीके से उनसे डील करने के लिए हर तरीके से तैयार है। लेकिन पिछले 5-6 सालों में देश ने सबसे ज्यादा फोकस अपनी सीमाओं और सैन्य संसाधनों पर किया है। राफेल के खेप से लेकर अमेरिकी 6716 असॉल्ट राइफल तक के भारी ऑर्डर्स तक तैयारी पूरी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।